प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे कोची में, सुनते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लोकार्पण हुआ है। ये सुविधाएं केरला और भारत के इस दक्षिणी क्षेत्र के विकास को गति देंगी। मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के निर्माण का ऐतिहासिक गौरव कोच्चि शिपयार्ड के पास है। इन नई सुविधाओं से शिपयार्ड की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी। मैं केरला के निवासियों को इन सुविधाओं के लिए बधाई देता हूं। साथियों, पोर्ट, शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज के सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। इससे पोर्ट्स में अधिक इन्वेस्टमेंट आया है और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। इंडियन सीफेयरर्स उससे जुड़े जो नियम थे उसमें किए गए रिफॉर्म्स की वजह से पिछले 10 साल में इंडियन सीफेयरर्स की संख्या में 140% की वृद्धि हुई है। देश के भीतर वॉटर वे के उपयोग से अब पैसेंजर और कार्गो ट्रांसपोर्ट में नई तेजी आई है। साथियों, जब सबका प्रयास होता है तो परिणाम और बेहतर मिलते हैं। बीते 10 वर्षों में हमारे पोर्ट्स ने डबल डिजिट एनुअल ग्रोथ हासिल की है। 10 वर्ष पहले तक हमारे पोर्ट्स पर शिप्स को लंबा इंतजार करना पड़ता था, उनको अनलोड करने में बहुत टाइम लगता था। अब स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत शिप टर्न अराउंड टाइम में दुनिया के कई विकसित देशों से भी आगे निकल चुका है। साथियों, आज दुनिया भी ग्लोबल ट्रेड में भारत की भूमिका समझ रही है। G20 समिट के दौरान भारत ने मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जिस प्रस्ताव पर सहमति बनी वो इसी भावना का प्रमाण है। ये कॉरिडोर विकसित भारत के निर्माण को बहुत बल देगा। इससे हमारी कोस्टल इकोनॉमी को बड़ी ताकत मिलेगी। हाल ही में मैरीटाइम अमृतकाल विजन भी लॉन्च किया गया है। विकसित भारत के लिए हम अपनी समुद्री ताकत को कैसे सशक्त करेंगे, इसमें इस लक्ष्य का रोडमैप है। भारत को दुनिया की एक बड़ी मैरीटाइम पावर बनाने के लिए हम मेगा पोर्ट्स, शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर क्लस्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दे रहे हैं। साथियों, केरला में आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है उनसे मैरीटाइम सेक्टर में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी और बढ़ेगी। नया ड्राई डॉक भारत का नेशनल प्राइड है। इसके बनने से यहां बड़े जहाज, बड़े वेसल तो आ ही सकते हैं, साथ ही यहां शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर का काम भी संभव होगा। इससे भारत की विदेशों पर निर्भरता कम होगी और जो पैसा हम विदेश भेजते थे वो देश में ही लगेगा। इसके साथ यहां शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर सेक्टर में नई स्किल्स पैदा होगी। साथियों,
आज इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी का भी लोकार्पण हुआ है। इस प्रोजेक्ट से कोचि भारत का और भारत एशिया का एक बड़ा शिप रिपेयर सेंटर बनने वाला है। हमने देखा है कि INS विक्रांत के निर्माण के दौरान किस प्रकार अनेक MSMEs को सपोर्ट मिला था। अब जब शिप बिल्डिंग और रिपेयर की इतनी बड़ी फैसिलिटी यहां बनी है तो इससे MSMEs का एक नया इकोसिस्टम बनेगा, जो नया LPG इंपोर्ट टर्मिनल बना है। इससे कोची, कोयम्बटूर, ईरोड, सेलम, कालीकट, मदुरई और त्रिची में LPG की जरूरतें पूरी होगी। इससे इन इलाकों में इंडस्ट्री और दूसरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी मदद मिलेगी और नए रोजगार भी बनेंगे। साथियों, कोचि शिपयार्ड आज आधुनिक और ग्रीन टेक्नोलॉजी से लैस मेड इन इंडिया वेसल्स बनाने में भी अग्रणी है। कोचि वाटर मेट्रो के लिए जो इलेक्ट्रिक वेसल्स बनाए गए हैं वो प्रशंसनीय है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और गुवाहाटी के लिए भी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पैसेंजर फेरीज का निर्माण यहीं हो रहा है। यानी देश के शहरों में आधुनिक और ग्रीन वाटर कनेक्टिविटी में कोचि शिपयार्ड की भूमिका अहम है। मुझे बताया गया है कि हाल में आपने नॉर्वे के लिए भी जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक कार्गो फेरी डिलीवरी की है। यहां हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाले दुनिया के पहले फीडर कंटेनर वेसल के निर्माण पर भी काम चल रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के हमारे विजन को सशक्त करता है। भारत को हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रांसपोर्ट की तरफ ले जाने का जो हमारा मिशन है उसको कोचि शिपयार्ड और सशक्त कर रहा है। मुझे विश्वास है कि बहुत ही जल्द स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी भी देश को मिलेगी। साथियों, ब्लू इकोनॉमी, पोर्टलेट डेवलपमेंट को और उसके कारण हमारे मछुआरे भाई बहनों की एक बहुत बड़ी भूमिका मैं इसमें देखता हूं। आज PM मत्स्य संपदा योजना से फिशिंग के लिए भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार डीप सी फिशिंग के लिए मछुआरों को आधुनिक नाव देने के लिए सब्सिडी दे रही है। किसानों की तरह ही मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। ऐसे प्रयासों की वजह से बीते 10 वर्षों में मछली उत्पादन और एक्सपोर्ट दोनों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। आज केंद्र सरकार सी फूड प्रोसेसिंग में भारत की हिस्सेदारी को और बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इससे भविष्य में हमारे मछुआरे साथियों की आय भी बहुत बड़ी वृद्धि होगी, उनका जीवन और आसान होगा। केरला का निरंतर तेज विकास हो, इसी कामना के साथ नए प्रोजेक्ट की मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, दैट इज अ टेक होम मैसेज।
Our sincere gratitude to the Honorable Prime Minister for the invaluable insights. Thank you, sir, for sharing your wisdom and knowledge. तो पीएम मोदी की बड़ी बातें आपको बता दें, नौकरियों के ज्यादा अवसर पैदा हुए प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और केरल दौरे से जुड़ी ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ग्लोबल ट्रेड को लेकर के भी इन्होंने बातें कही हैं, G20 में कई मुद्दों पर किस तरीके से सहमति बनी उसका भी जिक्र इन्होंने किया है, रोजगार के कितने अवसर पैदा हुए, युवाओं को कैसे रोजगार मिले, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। ये तस्वीरें चार इसी दौरे से जुड़ी हुई प्रधानमंत्री की आप देख रहे हैं। दक्षिण भारत के दौरे पर प्रधानमंत्री, दक्षिण के अभिनेताओं से भी मुलाकात हुई, नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद भी दिया प्रधानमंत्री ने, श्री राम स्वामी मंदिर में दर्शन भी किए और आज दक्षिण भारत के दौरे का दूसरा दिन। जी